दीपोत्सव के लिए अयोध्या रोशनी से नहा उठी है। ऐसी सजावट हुई है कि मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। चमचमाती सड़कें, एक रंग में रंगे भवन और आकर्षक लाइटिंग के साथ रामकथा आधारित 15 तोरण द्वार और कई स्वागत द्वार अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे हैं। शनिवार को दीपोत्सव में 21 लाख दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारी है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी साबित होगा। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 3,60,000 दिए अतिरिक्त भी जलाए जाएंगे, ताकि दीपमाला अनवरत रहे। शनिवार को शाम होती ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, पूरी अयोध्या जगमग हो उठेगी। भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पधारेंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी वशिष्ठ की भूमिका में श्री राम का राज तिलक करेंगे। इस आयोजन पर साक्षी बनने के लिए राम कथा पार्क में करीब 5,000 अतिथि मौजूद रहेंगे। इस बार सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी 20 मिनट तक होगी। इस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समेत अन्य अतिथि सरयू तट से आतिशबाजी निहारेंगे। अगर राम नगरी के निवासियों के उल्लास की बात करें, तो लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में उन्होंने उसी तर्ज पर अपने घरों को सजाया है, जैसा त्रेता युग में सजावट की गई थी। राम कथा और शुभता के प्रतीकों को चित्रित किया गया है। शुक्रवार की देर शाम तक दीयों की गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करने में जुटी रही। शनिवार सुबह से दीपों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम को सभी घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। अवध विश्वविद्यालय के युवा फिर इतिहास रचेंगे। इसको लेकर वॉलंटियर्स में गजब का उत्साह दिख रहा है। दीयो में तेल भरने के लिए 1-1 लीटर सरसों की बोतल दी जाएगी। हर एक दिए में 30 ml तेल डाला जाएगा। दिए का ऊपरी हिस्सा कुछ खाली रखा जाएगा, ताकि तेल घाट पर ना गिरे। 1 लीटर तेल की बोतल खाली करने के बाद फिर उसी गत्ते में वापस सुरक्षित रख दी जाएगी। दिए में तेल डालने के बाद बाती के आगे वाले भाग पर कपूर का पाउडर लगाएंगे, जिससे वॉलंटियर को दीप प्रज्वलित करने में आसानी होगी। लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में उसी तर्ज पर लोगों ने घरों को सजाया है, जैसे कि त्रेता युग में घरों को सजाया गया था। शाम होते ही पूरी अयोध्या में अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गीत गाए, जैसे मंगल गीत गूंजने लगेंगे। वहीं दीपोत्सव में 21 लाख दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारी है। पूरी अयोध्या में 30 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। शनिवार की शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, पूरी अयोध्या जगमग उठेगी। इस बार सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी होगी। इस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथि सरयू तट से आतिशबाजी निहारेंगे। इसके लिए यहां अलग से मंच बनाया गया है। करीब 20 मिनट तक आतिशबाजी होगी। अलग अलग रंगों के पटाखों से आसमान सतरंगी हो जाएगा। शाम होते ही पूरा सरयू पुल रोशनी से नहा उठता है, ऐसी सजावट की गई है। रामकथा पार्क के प्रवेश मार्ग पर आते ही रामायण युग का एहसास होगा। रामकथा के तमाम प्रसंगों से सुसज्जित 15 तोरण द्वार आकर्षण बढ़ा रहे हैं। रामकथा पार्क में राज दरबार की थीम पर भव्य मंच सजाया गया है। इसी मंच पर राज्याभिषेक समारोह का आयोजन होगा। पार्क में जगह जगह राम महल जैसे दृश्य निर्मित किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।